मतलब सर कई बार ना ऐसा मन करता है यार कैसे कलेजा खोल के दिखाएं क्या। और देखो भाई जो सर एडवांस के आपकी चीजें बता रहे हैं ठीक है उसको आराम से सुनिए, उसका लोड मत लेना। कुछ बच्चे को क्या होता है ना सर, जैसे हम एडवांस की कुछ चीजों को डिस्कस करने लगते हैं वो स्ट्रेस लेने लगते हैं, यार ये आ नहीं रहा, ये आ नहीं रहा, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे सेकंड ड्रॉपर भी हैं। यस बिल्कुल, देखो यार एक चीज है, जब भी सर कठिन सवाल कराएं, देखो जेई मेंस अभी फिजिक्स का वैसा नहीं आ रहा है ठीक है, लेवल बेकार ही है, क्लास से ही सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन क्या पता भाई तेरी बारी में दो तीन सवाल कठिन आ जाए, तो एटलीस्ट तेरा अगर सोच तेरा लेवल अगर जेई मेंस का यहाँ है तो इसकी तैयारी नहीं करेगा तो वो तीन सवाल छूटेंगे भाई, और वो तीन सवाल तेरी परसेंटाइल पूरी चौपट कर देंगे। एनआईटी की अच्छी ब्रांच भी अगर तेरे को चाहिए तो एक अच्छी परसेंटाइल चाहिए भाई ठीक है। तो सर जितने भी अच्छे क्वेश्चन कराए, भले आप सेकंड ड्रॉपर ही हो, प्लीज लर्निंग इंटेंट से उसको पढ़िए बिल्कुल आपको। और देखो सर मैं अभी बच्चों को ये भी बता रहा था, क्योंकि मैं भी अभी कुछ एडवांस के सवाल कर रहे थे, बच्चे कह रहे थे सर ये टफ है टफ है टफ है, यार जेई मेंस के बाद फिर तुम रोगे कि मेरे को चार महीने मिले हैं एडवांस की तैयारी कैसे करूं। सही बात है, साथ साथ करूं भाई, अभी करो ना, कोई डिफरेंट तैयारी नहीं है, बस ये है कि हाँ कुछ सवालों में आपके जो थॉट प्रोसेस वाले इनिशिएशन वाले सवाल, कुछ सवाल तो सर बिल्कुल नए आएंगे हर साल बिल्कुल, तो उसमें तुम्हारे को कुछ वो होगा ही नहीं भाई, बनक भी नहीं लगेगी हो सकता सवाल, लेकिन बाकी सवाल हो सकता है कॉपी से ही तुम्हें बिल्कुल दिखते दिखते मिले। और इस साल हुआ ही है सर कॉपी से, आज मतलब आप इस बार तो देखा ही है सर, देखो दो तीन सवाल तो हर साल ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं मिलेंगे बिल्कुल, लेकिन बाकी सवाल के कंसेप्ट डेफिनेटली क्लास में बताए जाते। और तुमने प्रॉब्लम क्या है ना, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां तुम्हारा थॉट प्रोसेस इनिशिएट नहीं हुआ ना तो तुमने कुछ नहीं सीखा। सवाल में जब तुमने सोचा नहीं ना, तुम्हें आंसर पता है, तुमने कर दिया ठीक है भाई, तेरे को प्लस फोर तो मिल गए अभी के लिए, एग्जाम में जब चेंज आएगा ना तो थॉट प्रोसेस से ही करेगा भाई। सही बात है बिल्कुल है। कह रहा है इतनी बेइज्जती मत करो भाई, बेइज्जती नहीं कर रहे, ये रियलिटी है, ये तुम्हें रियलिटी बता रहे ताकि सुधार कर लो। हाँ स्टार्टिंग में सर ये लोग कहते थे कि क्या क्या एक्स्ट्रा और करना, एक्स्ट्रा और करना, अब इनसे लेक्चर नहीं खत्म हो रहा इतना कंटेंट है। शुरू में कहते थे जब स्टार्टिंग वाला लेक्चर था ना इनका, कौन सा बेसिक मैथ्स, होमवर्क तो दे ही नहीं रहे हो सर आप, टाइम नहीं मिल रहा होगा, टाइम नहीं मिल रहा होगा इन्हें ठीक है। बेटा आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिएगा ठीक है, और कोशिश करना बेटा ये पांच वर्ष की योजना ना बन जाए। बिल्कुल, दसवीं क्लास से सपना लेके बैठे हो, अब इसको खत्म करो भाई ठीक है। और आसान है यार, पता क्या है कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में टीचर की बात सुन लो ना, पता सर कई बार ना ऐसा मन करता है यार कैसे कलेजा खोल के दिखाएं क्या सर, आप फील हो जाते हैं बुरा लगता है आप ही हमें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चे कंपैरिजन मोड में रहते हैं, कंपैरिजन मोड में रहते हैं और अपनी तरफ वो हमें कंपेयर करते रहेंगे, अच्छा आपकी कॉपी में ये नहीं है उनकी कॉपी में तो ये है, हमें क्या लग रहा है कि यार ये रिक्वायरमेंट्स है, ये अगर मैं इसको दूंगा तो शायद इसका इलाज हो पाएगा, कुछ बेटर हो पाएगा। हर डॉक्टर की दवाइयां हो सकती है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन काम वही डायरेक्शन में करना चाहेंगी है ना बात है। तो आपको ये चीज समझनी है, आपकी जो बीमारी है ना वो हम अपनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप प्रोसेस को अगर आप वो कहोगे कि नहीं सर ये सवाल नहीं वो सवाल नहीं, भाई तू पता है क्या पूरा अपना चौपट कर लेता।